मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सदैव अटल जी का जन्म हुआ था, लेकिन ये उन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में तो उत्तर प्रदेश को चुना ही, साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में अर्जित की और उत्तर प्रदेश से उनका लगाव आगरा जनपद के बटेश्वर, उनकी पैतृक भूमि के रूप में जानी जाती है। इन एक वर्ष के अंदर सदैव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी, वहीं साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्र में अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक संस्थाओं तक इन कार्यक्रमों को, उनकी साहित्यिक रुचि, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को स्मरण करने का एक अवसर, पुण्य अवसर हम सबके सामने होगा। आज के इस अवसर पर, सुशासन दिवस के अवसर पर, सदैव अटल जी को एक बार फिर से उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।